टॉक में मोदी के नारे गूंज उठा दिल्ली। जी नमस्कार, सिमर वर्षन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। खबरें तो आप बहुत देखते हो, लेकिन खबरों को गहराई से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले अपडेट। टॉक में गूंजे मोदी की नारे, दिल्ली उठा गूंज। जी हाँ नमस्कार मित्रों, टॉक से आ रही ताजा खबर के मुताबिक हम आपको बता दें, देश में आगामी लोकसभा चुनाव की चुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां में जुट गई हैं। ऐसे में राजस्थान में जो बीजेपी एक बार फिर मिशन 25 को लेकर रणनीति बना रही है। शनिवार को चुनावी प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाबों के गढ़ टोंक से जनसंवाद किया। इस दौरान मोदी ने भाषण की शुरुआत पुलवामा आतंकी हमले से की है। पीएम ने अपना संबोधन पुलवामा हमले के शहीदों को नमन करके शुरू किया था। इसी दौरान पीएम मोदी आतंक को लेकर खूब बरसे। मोदी ने पुलवामा का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के देश पुलवामा हमले के खिलाफ एकजुट हैं। इस बार सबका हिसाब पूरा होगा, आपका प्रधान सेवक इसी काम में जुटा हुआ है। उन्होंने जवानों पर गर्व करते हुए कहा कि हमारे देश के वीर जवानों में 100 घंटे में एक बड़े गुनहार को लेकर जगह पहुंचा दी है। इस दौरान मोदी ने एक बार फिर से कहा कि सेना को पूरी छूट है, दुनिया में आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम मेरे हिस्से में लिखा है तो ये सही है, आतंक के गुनहारों को सजा देने के लिए हम बढ़ रहे हैं। ये संकल्प मोदी का नहीं, 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आतंक को लेकर मोदी ने कहा, हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। राजस्थान के टोंक जिले में पीएम मोदी और आतंक खिलाफ के जमकर बरसे हैं। 26 फरवरी को शुरू में पीएम की रैली हुई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को चूरू जिले में रैली प्रस्तावित की है। जिले में होने जा रही इस रैली को लेकर बीजेपी नेता भी तैयारी में पूरी जुटे हुए थे। चूरू जिला मुख्यालय पर होने वाली पीएम मोदी चूरू रैली को लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पधार कर अपना हैरान किया। इसके साथ ही मित्रों, हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक आप बने रहो सिमर वर्षन के साथ।